नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये हिस्ट्री का क्लास 12th का 13 चैप्टर है, आपके सिलेबस में है इस बार, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा महात्मा गांधी के बारे में, इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पहले ये जानते हैं कि गांधी जी का जन्म जो है वो गुजरात के पोरबंदर जगह पे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर, तो पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के जो पिता थे, फादर थे, उनका नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई था। ये बचपन में बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, बहुत शाय के स्वभाव के थे। इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इनके बचपन का नाम मनु था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। गुजरात में जन्म हुआ पोरबंदर नामक जगह पर 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और इनके बचपन का नाम मनु था। और ये बचपन से बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। इनके अल्प आयु कहने का मतलब है बड़ी कम आयु में, 13 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी जी की कस्तूरबा से विवाह करा दिया गया था, शादी करवा दी गई थी, बाल विवाह करवा दिया गया था महात्मा गांधी जी का। आइए हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी का जो राजनीतिक सफर है ना, लोगों के बीच में जो प्रशंसनीय सफर है वो उनका साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था। 1893 से 1914 के बीच का ये सफर है, शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। किसने इनवाइट किया था? शेख अब्दुल्ला ने। कब? 1893 में। किसको? महात्मा गांधी जी को। दक्षिण अफ्रीका गए थे किसके निमंत्रण पे? शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पे। अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। अब्दुल्ला जो था वो पहले ही से सेटल था वहां पे साउथ अफ्रीका में। उन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया था एक मुकदमा लड़ने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी पेशे से वकील थे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। यहीं से महात्मा गांधी जी की जो कहानी है वो सबसे ज्यादा प्रशंसनीय हो जाती है। अब देखिए गांधी जी के अंदर से विचलित हो गए। क्यों विचलित हो गए? क्योंकि वहां पर उन्होंने जो भारतीयों के साथ भेदभाव देखा ना, काले लोगों के साथ भेदभाव होता था, जो काले रंग के लोग होते थे उनके साथ वहां पर बहुत ज्यादा जातियां होती थी, परेशानियां होती थी, उनके साथ मारपीट या फिर अन्य प्रकार के अप्रत्यक्षित घटनाएं की जाती थी। अब ये देख के महात्मा गांधी जी वहां पे भाव विभोर हो गए, ये विचलित हो गए, इनका कलेजा फटने लगा। अब देखिए यही कारण था कि इन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया। ये जो काले और गोरे का जो भेदभाव था, इनके बीच की जो खाइयां थी, इसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने संकल्प लिया, बेड़ा उठा लिया कि हम इसको खत्म करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद का सामना करा खुद भी किया है। मतलब गांधी जी को खुद भी वहां पे रंग भेद का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कलर वाइज अगर आप बात करें तो महात्मा गांधी जी भी काले थे और एक बार तो इनको धक्के मारकर ट्रेन से भी उतार दिया गया था। तो देखिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल बिताए, 20 साल तक वहां पे रहे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 20 साल तक रहे और रंग भेद का खुलकर विरोध किया। ये जो काले और गोरे लोगों के बीच में जो विरोध था, जो भेदभाव था, इसका विरोध किया महात्मा गांधी ने। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों को इस भेदभाव से आजादी भी दिलाई। जो काले लोग थे, जो वहां पे गोरे लोग के भेदभाव का शिकार थे या फिर कहिए जो सामाजिक दूरियां थी उनके शिकार थे, इनसे उनको आजादी भी दिलाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार अहिंसात्मक विरोध की विशिष्ट तकनीक सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तक महात्मा गांधी ने कभी भी लाठी वाठी से अपना सत्याग्रह नहीं किया या बम बारूद, बहुत ही अहिंसक थे, ये हिंसा की प्रवृत्ति को नहीं अपनाते थे। तो पहली बार जो ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हुई है दक्षिण अफ्रीका में, जहां पे इन्होंने पहली बार अहिंसक तरीके से सत्याग्रह किया इन्हीं खाइयों को खत्म करने के लिए। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। सौहार्द का क्या मतलब होता है? आपसी तालमेल। बहुत अलग अलग जगह पे ना आपको देखने को मिलेगा, भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग जाति धर्म रंग भेद के लोग मिलेंगे, इनके बीच में आपस में संतुलन और दोस्ती या फिर कहिए लगाव बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने पूरा प्रयास किया है।
उच्च जाति भारतीयों को निम्न जाति और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी भी दी। पहले भारत में क्या होता था, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, जो बड़े बड़े किसान थे, बड़े बड़े जमींदार थे, वो छोटी जाति के लोगों को या फिर अपने से कमजोर लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। इसको भी महात्मा गांधी ने चुनौती दी और इस तरह के कार्यों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। आगे की स्लाइड में चलते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है स्वदेशी आंदोलन। देखिए ये हुआ था 1905 से 1907 में, इंपोर्टेंट है आपके लिए। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907 तक चला था, 1905 से 1907 तक चला था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये एक बहुत ही फेमस स्वतंत्रता सेनानी है, आजादी दिलाने में इनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल के रहने वाले थे, और लाला लाजपत राय जो पंजाब के रहने वाले थे। इसी कारण से देखिए बाल पाल और लाल, इसे इसी कारण से लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। जब आपको याद रखने के लिए आप आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि बाल से आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और लाल से लाला लाजपत राय, तो इसलिए इसे बाल पाल लाल के नाम से भी जाना जाता है। और इन लोगों ने अंग्रेजी शासन के प्रति हिंसा का रास्ता अपनाने का सिफारिश किया। इन लोगों ने महात्मा गांधी की तरह हाथ पैर जोड़ने के नहीं सोचा और बैठ के अहिंसा से अपना आजादी लेने का नहीं सोचा, इन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने का सोचा। अगर अंग्रेज मारेंगे हमारे भारतीयों को तो हम भी अंग्रेजों को मारेंगे, ऐसी नीति से इन्होंने देश को आजादी दिलाई। और वाकई में अगर आप देखिए तो 100 बातों का एक जवाब है कि हमें जो आजादी है वो अहिंसा से नहीं बल्कि इनके कुर्बानी हिंसा से मिला था। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलना चाहते हैं गांधी जी का भारत आगमन। अब 20 साल जब इन्होंने साउथ अफ्रीका में बिता लिया, वहां पे सत्याग्रह कर लिया, वहां पे काले और गोरे लोगों का भेदभाव भी समाप्त कर लिया, तब ये वापस भारत आए 20 साल के बाद। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में सफल प्रयोग करने के पश्चात भारत वापस आए। मतलब वहां पे जो काले गोरे का भेद था, इन सभी चीजों को समाप्त करने के बाद वो 9 जनवरी 1915 को कहां आए, वापस भारत, स्वदेश। स्वदेश कहने का मतलब है कि वो साउथ अफ्रीका के तो रहने वाले नहीं थे, वो तो भारत के रहने वाले थे। स्वदेश मतलब खुद के देश में वापस आ गए। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस भी मनाते हैं। भारत में अप्रवासी दिवस 9 जनवरी को इन्हीं कारण से मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से स्वदेश अर्थात भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता से मिलकर उनके साथ विचार विमर्श किया। उस समय ऑलरेडी हमारे देश में कांग्रेस की पार्टी थी, उनके नेताओं से मिला और आगे के कार्य करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना गुरु बनाया। किसने, महात्मा गांधी जी के अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। और भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए सारे देश का भ्रमण किया। हालांकि ये भ्रमण करने का जो विचार था ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने ही दिया था महात्मा गांधी को। कहा कि तू अगर भारत में कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम जाओ भारत घूम के आओ, भारत को समझो, भारत को जानो। इसलिए महात्मा गांधी ने पूरा भारत भ्रमण किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। ब्रिटिश भारत कहने का मतलब है कि उस समय हमारे भारत पे ना ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज शासन यहाँ पे किया करते थे। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई जा तू और पहले एक साल तक पूरे भारत का भ्रमण कर, इस भूमि को और इसके लोगों को जान सके। जब ये एक साल तक पूरे भारत में घूमेंगे तब यहाँ के लोगों को समझ सकेंगे, यहाँ के वातावरण को समझ सकेंगे, यहाँ के समाज के तौर तरीकों को समझ सकेंगे, यहाँ के गरीबी को समझ सकेंगे। और 1915 से 1916 तक महात्मा गांधी जी ने भी यही किया। महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत का यात्रा किया। देश में फैली अज्ञानता, मतलब पढ़ाई लिखाई की कमी थी, अशिक्षा, अज्ञानता और शिक्षा बराबर या गरीबी था। जहां पे अशिक्षा होगा वहां पे गरीबी होगा ही, बेरोजगारी था। जहां पे अशिक्षा होगा गरीबी होगा, इसका मतलब यह कि वहां पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, काम नहीं है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का मतलब मैं हिंदू, मैं मुसलमान, तुम फलाना ढिकाना एक्स वाई जेड, कुछ भी अलग अलग जाति धर्म के लोग अलग अलग संप्रदाय को अग्रसर कर दिया करते थे। छुआछूत, छुआछूत भी बहुत बड़ी समस्या थी, अमीर लोग और गरीब लोग, ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण और
शूद्र ब्राह्मण जहां चलेगा जिस सड़क पर, उस सड़क पर शूद्र चल नहीं सकता है, उसके छाया से दूर रहना है, उसको गांव से अलग रहना है। तो ये बहुत तरह की समस्याएं थी जो महात्मा गांधी जी ने उस समय जो भारत भ्रमण कर रहे थे 1915 से 1916 तक, उन्होंने इन सब चीजों को देखा कि भारत में आखिर इतनी परेशानी क्यों है। तो वो इन्हीं कारण से है, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपिता के लिए समर्पित कर दिया। मतलब उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं भारत के लिए जिस कारण से भारत के पिता के हिसाब से उन्हें दर्जा दिया जाता है। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, आपको पता होगा ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है बनारस में। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गांधी जी की पहली स्थिति वहां पे मौजूद थी। समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में एनी बेसेंट जैसे महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पे उपलब्ध थे। जब महात्मा गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर, गरीबी और गरीबी की ओर ध्यान खींचा। मजदूर, अब यहां समझिए, जो मजदूर तबके के लोग थे उनके भलाई के लिए बात किया बनारस यूनिवर्सिटी में, जहां पे इनको बुलाया गया था उद्घाटन के लिए, वहां उन्होंने मुद्दा उठाया। जब इनकी बारी आई माइक पकड़ने का, तो उन्होंने माइक पकड़ के सबसे पहले गरीबी के बारे में बताया, मजदूर के बारे में बताया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया वहां पर बैठे सभी लोगों को। गरीब अमीर सभी तबके के लोग बैठे थे वहां पर। जब कोई किसी के पक्ष में बात करता है ना, तो वो उसे अट्रैक्ट करता है। अब क्या हुआ, यहां पर गांधी जी की जब बारी आई तो उन्होंने भारत के लोगों को या उस समय के नेता को इस बारे में बताया कि आप यहाँ के गरीबी और अशिक्षा और मजदूरों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस ने बिहार में चंपारण से आए किसानों ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। देखिए, आपको पता है कि अंग्रेज जो थे वो अपने फायदे वाली चीजों का खेती करवाते थे हमारे भारतीय किसान से, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है नील। नील एक ऐसा खेती था जिसमें भारतीय मजदूर को मुनाफा तो होता नहीं था, साथ ही साथ मजबूरी में अंग्रेज के मार के डर से जब वो अपने खेतों पे उसे करते थे, उनका खेत बंजर हो जाता था। क्योंकि नील की खेती से क्या होता है, वो खेत के सारे उर्वरक क्षमता को खींच लेता है, अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता, खींच लेता है, और उसके बाद वो खेत कुछ सालों के लिए बंजर हो जाता है, किसान उस पर किसी भी प्रकार के फसल नहीं उगा पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ, जब किसानों के साथ ऐसी घटना हो रही थी, चंपारण से आए थे कुछ किसान लखनऊ के अधिवेशन में, उन्होंने अपने इस मुद्दे की बात की। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं, गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलन, गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया वो कहां से शुरू हुआ हमारे भारत में, स्वदेश में। उनके लिए सबसे पहले चंपारण किसान आंदोलन, क्योंकि तो चंपारण के ही किसान गए थे ना लखनऊ, जिन्होंने बताया था कि हमारे साथ बहुत जाति हो रही है, अंग्रेज हमारे साथ बहुत जाति कर रहे हैं, नील की खेती करवाते हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारे खेत बंजर हो जाते हैं। तो इन्होंने 1917 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू किया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सफल 20 साल तक रहे, वहां पे काले गोरे का भेद समाप्त किया, फिर देश में आए और वहां पे इनका पहला अब था हमारा चंपारण किसान आंदोलन, जहां ये कूदे थे किसानों के हक की बात करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, 25 मई 1915 को कोचरब अहमदाबाद साबरमती आश्रम के किनारे सत्याग्रही आश्रम की स्थापना की, वहां पे अपना आश्रम बनाया और इसीलिए उसे साबरमती के संत भी कहा जाता है। कई गानों में साबरमती के संत के नाम से भी महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। दौरान बाबू राजेंद्र प्रसाद, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना गया है। राम कुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही गांधी जी ने चंपारण बिहार की ओर कूच किया। देखिए, ऐसे गांधी जी नहीं आए थे, कुछ दिग्गज लोग थे उस समय जिनके कहने पर गांधी जी आए थे। राजेंद्र प्रसाद उस समय बहुत बड़े तबके के नेता थे, बिहार के रहने वाले थे, राष्ट्रपति भी थे हमारे भारत देश के, आपको पता होगा, और बहुत पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों ने आग्रह किया गांधी जी को, तो वो वहां से आए। महात्मा गांधी जी 1917 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार चंपारण जिले से किया है। चंपारण में किसानों को नील की खेती के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि खेती करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार खाओगे, दंड दिए जाओगे, पैसा माल मवेशी जमीन छीन लिया जाएगा। इस कारण से बेचारे डर के मारे उस खेती को करते थे। किसानों को अपनी जमीन में कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना
कंपल्सरी था, मतलब उसका जितना भी किसान का खेत है उसमें उसको कुछ भाग में मिल की खेती करनी ही पड़ेगी। ये अंग्रेजों ने कानून बना दिया था, आप कुछ भी खेती करो हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपको इतना नील हमें देना ही पड़ेगा। मालिकों द्वारा तय दामों पर ही उन्हें बेचना पड़ता था। और जब इन्होंने नील की खेती कर लिया तो ये नहीं है कि अपने दाम से बेच पाएंगे, नहीं, उनका जो मालिक होगा वो कहेगा भाई तुम्हें इतने में देना पड़ेगा और उन्हें उतने में बेचना पड़ता था, जिस कारण से किसान और ज्यादा दुखी होते थे। तो इतना मेहनत करके खेती करो, ऊपर से हमारे दाम के हिसाब से उसे बेचा भी नहीं जाए, अगला आएगा बोलेगा कि भाई तू 5 रुपए में बेच दे, भले उस पर मेरा 15 रुपए का खर्च है। तो इससे किसान दुखी होने लगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 1917 में महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक ने और जेबी कृपलानी और महादेव दसाई वहां पहुंचे और किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। देखिए अब ये सब पहुंचे कहां है, चंपारण, जहां पे किसानों की हालत दयनीय थे। इन लोगों का जाना था और वहां पे किसानों के दयनीय स्थिति की जांच पड़ताल करने लगे। चंपारण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई महात्मा गांधी जी ने जीत ली। क्योंकि महात्मा गांधी जी कोई छोटे उस समय लोग नहीं थे, एक तो 20 साल, एक तो पहले वकील, 20 साल साउथ अफ्रीका में रहे, अपने देश की छोड़ो दूसरे देश में जाके डंका बजा दिया, काले और गोरे के बीच की ये खाइयां समाप्त की, फिर भारत आए और सबसे पहला आंदोलन डाल दिया चंपारण में, तो इनकी जीत तो स्वाभाविक सी थी। और भारतीय लोग आंदोलन में इनकी विजय हुई। और देखिए अब यहाँ पे क्या है कि खेत मालिकों के साथ हुए समझौते का 25% उन्हें वापस करने की बात तय हुई और महात्मा गांधी का 1917 का अधिकांश समय किसानों के साथ बिता। महात्मा गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया ना, इसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा समय किसानों के साथ ही बिताया। और जो बड़े बड़े किसान छोटे छोटे किसानों का जमीन ले रखे थे उनसे उनकी जमीन भी उनको वापस दिलवाई। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, आगे का स्लाइड हमारा कहता है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आंदोलन है उन्हें आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में आपको इन्हीं आंदोलन के अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। 1918 में हुआ था, 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले, गुजरात के अंदर ही खेड़ा है जिले के, किसानों की फसल चौपट हो जाने के कारण सरकार लगान में छूट न दे रही थी, इसी वजह से उन्होंने सरकार के विरुद्ध किसानों के साथ हल्ला बोल कर दिया, सत्याग्रह कर दिया। 1918 की बात है, खेड़ा जो गुजरात का एक जगह है, फसल चौपट हो गया किसी कारणवश, इसके बाद किसान ने लगान माफ नहीं किया या मुआवजा नहीं दिया, इस कारण से महात्मा गांधी जी किसान की तरफ से अनशन करने लगे, सत्याग्रह पे बैठ गए और किसानों का साथ दिया। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने इस आंदोलन के भाग दौड़ संभालते हुए ब्रिटिश सरकार को लगान माफ करने के लिए मजबूर कर दिया। कब? 22 मार्च 1918 इनका जो आंदोलन था, इसी कारण से ब्रिटिश सरकार जो समय भारत पर राज कर रही थी उन्होंने हमारे किसानों के लगान को माफ कर दिया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। देखिए किन कारणों से खेड़ा जिले के किसान जो थे वो लगान नहीं चुका पा रहे थे, एक तो फसल खराब हो गया, दूसरी उस समय एक महामारी थी प्लेग, वो फैल गया था जिस कारण से किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इस आंदोलन को हॉडी मेन ने गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहा है। ये एक राइटर हैं या फिर आपका ये इतिहासकार हैं हॉडी मेन, इन्होंने कहा है कि जो खेड़ा आंदोलन था ना वो महात्मा गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन 1918 में किसके लिए? गुजरात के खेड़ा जिला है जहां ये किसानों का फसल खराब हो गया, इसके पक्ष में महात्मा गांधी जी उतरे और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी, इसी को हम खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ। अहमदाबाद के मिल मजदूरों व मालिकों के मध्य बीच में 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जहां से गुजरात में बहुत सारे किसानों को प्रभावित किया था, प्लेग बीमारी जो महामारी थी उससे गुजरात के बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। बात है अहमदाबाद के बड़े बड़े मिल मालिक जो हुआ करते थे, फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, और उनके मजदूरों के बीच में जब वो क्या बोले कि मालिकों के मध्य 1918 की बात है, बोनस को लेकर, आपको पता होगा कि बड़े बड़े कंपनियों में बोनस दिया जाता है, मजदूरों को भत्ता दिया जाता है, एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, जिसको लेकर विवाद हो गया बड़े बड़े मिल मालिक और मजदूरों के बीच में। अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़ों के मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति की मांग की। किसने? महात्मा गांधी ने इसमें भी अपना हाथ दिया था।
और मजदूर थे वो 50% बोनस की मांग कर रहे थे, परंतु मालिक 20% दे रहे थे। मजदूर जो थे, एक तो किसानों का हालत ऐसे ही खराब था, फसल चौपट हो गया था, दूसरी ओर बीमारी फैल रही थी, महामारी जैसे कोरोना का वायरस अभी फैल रहा हो तो हम लोगों ने कितना परेशानी का सामना किया है, इसी तरह प्लेग वगैरह था उस समय, जिनसे किसान बहुत ज्यादा आघात पहुंचा था उनके जीवन को। तो वो 50% की मांग कर रहे थे मिल मालिकों से, लेकिन वहां से उनको सिर्फ और सिर्फ 20% मिल रहा था। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भूख हड़ताल का सहारा लिया। इन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, कहा कि हम नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे जब तक भैया तुम इनको 50% नहीं दोगे ये बोनस। गांधी जी ने भूख हड़ताल के माध्यम से इस अनशन को जारी रखा और मजदूर के पक्ष को सामने रखा। अब देखिए क्या हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन गांधी जी का पहला आवरण अनशन का प्रतीक माना जाता है। आवरण अनशन भूख हड़ताल पहला था गांधी जी का, इससे पहले उन्होंने भूख हड़ताल नहीं किया था, आवरण अनशन भी नहीं किया था, तो ये पहला था जिसको इनको प्रतीक माना जाता है। किसके लिए किया? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए किया, जो बड़े बड़े जो मिल मालिक थे ये इनका हिस्सा खा रहे थे, 50% बोनस ये मांग रहे थे लेकिन ये नहीं दे रहे थे, ये 20% दे रहे थे, तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने उनका साथ दिया। उल्लेखनीय है कि इस आंदोलन में मिल मालिक अंबालाल साराभाई और उनकी बहन अनसुईया ने गांधी जी का साथ दिया था, लेकिन कुछ मालिक भी थे, कुछ मिल के मालिक भी थे जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था, जिनमें उनका नाम है अंबालाल साराभाई एवं उनकी बहन अनसुईया ने गांधी जी का साथ दिया था। वाकई में मजदूरों को 50% मिलना चाहिए 20% के बदले। तो ये कुछ बातें थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। अब रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए रॉलेट एक्ट एक भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना किया था। हमारे भारत के इतिहास में इसे काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। देखिए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। उन्होंने खुल के इसका विरोध किया था, ये जो काला कानून था रॉलेट एक्ट था इसका विद्रोह किया। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह के पहले चरण में स्वयंसेवकों ने कानून को औपचारिक चुनौती देते हुए गिरफ्तारियां दी, कहा कि आओ भाई गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये एक्ट के बदले पूरे देश में एक गुस्सा था। हालांकि महात्मा गांधी जी के बाद तो उसमें पूरा देश चलता था, महात्मा गांधी जी ने कह दिया खराब है तो खराब है, आम जनता समझ गई कि ये चीज हमारे लिए बढ़िया नहीं है। तो जो स्वयंसेवक थे, स्वयंसेवक को आजकल RSS के जैसे भी नामों से जाना जाता है, स्वयंसेवक समूह, उन्होंने खुद की गिरफ्तारियां दी। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 में पूरे देश में हड़ताल कर दिया, पूरे देश में हड़ताल हो गया। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया। कुछ जगह अब हड़ताल हो रहा है ना भाई, तो हड़ताल हो रहा है तो छोटा मोटा हिंसा तो होगा, तोड़फोड़ होगा, लाठियां चलेगी, हल्का फल्का मारपीट होगा, पुलिस और आदमी के बीच भिड़ंत होगा। इस कारण से महात्मा गांधी जी को प्रतिबंधित कर दिया, मतलब निषेध कर दिया कि आप नहीं जा सकते। कहां नहीं जा सकते हैं? दिल्ली और पंजाब में नहीं जा सकते। महात्मा गांधी जी को दिल्ली और पंजाब आने से मना कर दिया गया। 9 अप्रैल को गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया और इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको तो प्रतिबंधित कर दिया था, अंग्रेज ने कहा कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, इन्होंने कोशिश किया 9 अप्रैल को गांधी जी का दिल्ली में प्रवेश करने का, जैसे ही कोशिश किया इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी गिरफ्तारी में देश में आक्रोश बढ़ गया। जब इतने बड़े महान नेता को आप ऐसे ही गिरफ्तार कर लोगे, हल्का में थोड़ी नहीं बात। महात्मा गांधी जी समय धाकड़ नेता हुआ करते थे, बहुत ही चर्चित, पूरे देश में इनका डंका बजता था। इनको गिरफ्तार कर लिया, पूरा देश का आदमी सनक गया, पकड़ा गया कि महात्मा गांधी जी को कैसे कैद कर लिया। गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया। देखो कहां पकड़ा, दिल्ली में, कहां छोड़ा, मुंबई में। डरे क्योंकि पूरा जनता से आगे कुछ नहीं है, जनता इंपोर्टेंट है, जनता सर्वोपरि है। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमुना लाल दास, द्वारकंदा दास शंकर लाल, बैंकर उमर सुमानी, बीजी हॉमिनन आदि शामिल थे। बहुत सारे लोग थे जो इनके जो सभा का इन्होंने गठन किया था रॉलेट एक्ट अर्थात काला कानून के विरुद्ध में, इसके प्रति इनके बहुत सारे लोग और थे जो इनको साथ दे रहे थे। ये था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यहाँ ये पहला पार्ट का वीडियो था, अब हम आपके साथ इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो मिलेंगे। आशा करता हूँ कि पहले पार्ट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पहले पार्ट का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।